फ्रेंड्स, अगर दवाई खाने से बचना चाहते हो, डॉक्टर से बचना चाहते हो, हर बीमारियों से बचना चाहते हो तो योग की शुरुआत जल्दी से जल्दी करें। योग आपको हर बीमारियों से दूर रखेगा। तो आज जो आसन है वो बहुत ही इफेक्टिव है, जैसे गर्दन दर्द है, पीठ दर्द है, कमर दर्द है, इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही आसान आसन है। इसे कोई भी कर सकता है और ये आसन आपकी जो गैस का प्रॉब्लम है जिसे उसे भी ठीक करेगा, आपकी पाचन क्रिया को बढ़ाएगा और आपका साइड फैट वो भी रिड्यूस करेगा। तो इसे कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले सीधे लेट जाएंगे, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर सीधा रखना है, दोनों घुटनों को मोड़ना है, दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड में जमीन पर टिकाना है। अगर नहीं आपका टिकता है तो हाथों की सहायता से जमीन पे इसे दबाना है, जमीन पे टच करना है और गर्दन को ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है। यहाँ कम से कम आपने 30 सेकेंड होल्ड करना है। यहाँ जो खिंचाव होता है, आपकी सारी मांसपेशियों में खिंचाव होता है, गर्दन से कमर से घुटने तक आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। उसी तरीके से हम लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी करेंगे। राइट साइड की तरफ भी वैसे ही घुटनों को नीचे जमीन पे टिकाना है, हाथों का सहायता से घुटनों को पकड़ के नीचे दबाना है और सिर को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना है। यहाँ भी आपने 30 सेकेंड होल्ड करना है। नेक्स्ट रहेगा, दोनों पैरों को सीधा करेंगे, राइट लेग को लेफ्ट लेग की जांघ के पास रखना है और घुटने को नीचे टिकाना है, हाथों की सहायता से इसको नीचे दबाना है और गर्दन को ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है। यहाँ भी आपका बहुत ज्यादा खिंचाव होता है, शरीर की सारी मांसपेशियों में, गर्दन, पीठ, कमर में काफी खिंचाव पैदा होता है, जिसके कारण आपका ये जो साइड फैट है ये रिड्यूस होगा और आपकी पाचन क्रिया भी बढ़ेगी, आपकी जो पेट की जितनी भी बीमारियां हैं उसमें भी काफी लाभ मिलेगा। उसी तरीके से लेफ्ट लेग को उठाएंगे, राइट लेग की जांघ के पास रखेंगे, इसे भी नीचे जमीन पर टच करना है हाथों की सहायता से और गर्दन को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना है। यहाँ भी आपने इसे 30 सेकेंड होल्ड करना है, आराम आराम से करना है, गर्दन में इसमें ज्यादा जर्क नहीं देना है। इसे आप रेगुलरली करें तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा इस आसन का।